सारिका, 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 आप बाहर क्यों आ गए? पीयूष देखो, दीपिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की फ्रेंडशिप खराब ना हो, तुम्हें सच समझना ही पड़ेगा, वरना दीपिका की खुशी के लिए मुझे उससे दूर जाना पड़ेगा। सारिका, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। नहीं पीयूष, अगर तुम दीपिका से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। सारिका, सारिका, ब्रह्मा से प्यार करते पीयूष? नहीं, तुम मेरे लिए सिर्फ दीपिका के होने वाले पति हो और कुछ नहीं। और तुमसे एक और एक रिक्वेस्ट है पीयूष, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दीपिका को खुश नहीं रख सकते हो तो तुम प्लीज अभी पीछे हट जाओ। पर सारिका, किस बात से पीछे हट जाना चाहिए पीयूष जी को? कुछ छुपा रहे हो तुम दोनों हमसे? अब सारा सच बाहर आ जाएगा और शादी टूट जाएगी। अरे यार दीपिका, तू तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। तेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे हम लोग। मैंने तो बोल दिया पीयूष से कि अगर आप डांस परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कर सकते हो तो आप अभी पीछे हट जाओ, मैं अकेली कर लूं। नहीं दीपिका, वो क्या है कि अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। आप भी ना, सब बता दिया, पूरा प्लान चौपट कर दिया। मैं ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं छुपाती हूँ। अरे लड़कियों, तुम अंदर आ जाओ, पीयूष आ जाएगा। चल चलिए पीयूष। हाँ बस आप समय से पहुंच जाइएगा, यही मदद है बस। जी धन्यवाद। मुनी दयाली, अरे मिश्रा जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा किसे बुलाए और किसे नहीं बुलाए। अरे अगर मोहनी को बुलाते हैं तो वो दयाली को भी बुलाना पड़ेगा, और अगर दयाली दर्शन देगी तो वो आशा का पति बुरा मान जाएगा। एक काम करो, तुम सबको बुला लो। अरे सुनिए ना, वो आपने जेठ जी से बात की? अरे उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं भाई, कभी फोन लग रहा है तो वो उठा नहीं रहे हैं, कभी फोन नहीं लग रहा है, कल रोका है, आज जाके बताएंगे तब जाके कल पहुंचेंगे। अरे वकील साहब तो कोर्ट कचहरी में लगे होंगे ना। अरे सुनिए ना जी, आप ना वो रुक्मणी जीजी को बस फोन कर दीजिए, नहीं तो सुना सुना के ना हमारा दिमाग सुन कर देंगी। आपको तो पता है ना कैसे कस कस के ताने वाले थप्पड़ मारती हैं जीजी। पापा अगर कॉल नहीं लग रही तो मैसेज कर दीजिए ना। अरे कर दिया बेटा, कर दिया, पहले ही मैसेज कर दिया, पर उनका कोई जवाब ही नहीं आया। अरे दीपू बेटा, अगर मैसेज से मारने वाली होती तेरी जीजी तो फिर कब की बात बन गई होती। अरे उनको फोन करना ही पड़ेगा, वरना कहेंगी मोटी बुद्धि के छोटे प्राणी, अरे एक तो बेटी की शादी तय हो गई लेकिन हमें किसी ने। किसे फोन लगा रही हो? अरे साक्षात आप लोग,
बस आप ही को फोन लगा रहे थे हम। तुमने याद किया, हम प्रकट हो गए। आप लोगों ने तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। हाँ भाई जी, ताऊ जी। अरे भाई तू तो मेरा सबसे बहादुर बच्चा है। अरे भाई सरप्राइज देना तो हक बनता है हमारा। हाँ तो जानती है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सारी चीजों की जिम्मेदार तुम्हारी ताई जी है। हुँ? अच्छा सुन इधर ली। अरे आइए 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 जी जी बैठे जी। तुम्हारी आगरा की गर्मी ना भयानक गर्मी है, बिल्कुल पसीने से तर बतर हो गई हूँ। क्या रागिनी, सारे संस्कार भूल गई क्या? क्या हुआ जीजी? अरे जब बड़े बूढ़े चौपट पर आते हैं ना तब पांव छूकर नमस्कार किया जाता है। अरे भाई हमारे घर में तो यही होता है। अरे ठीक है ठीक है। अरे अरे भाई रहने दो रहने दो। यहाँ यहाँ यहाँ। अरे भाई अगर मन में इज्जत हो ना तो बड़ों का आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाता है। ताऊ जी हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हम कितने खुश हैं आप यहाँ आए। तुम्हारी अम्मा जी को अच्छा नहीं लगा है ना, वो पिज्जा निकाल देना, नहीं तो तुम्हारा ये जो घर है ना वो लाल हो जाएगा। हाँ बतला देते हैं। जी सुनिए। अरे रुक्मणी वो कुछ दिख नहीं रहा। रसोई घर है। अरे पूरा थोड़ी ना है, कूड़े लाने में रुका है, फर्ज पर नहीं है। जल्दी से पिज्जा निकाल देना। हाँ तुम लोग मुझे कुछ समझो ना समझो, मगर दीपू को तो मैं अपनी बिटिया समझती हूँ, इसलिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। लोग सुनोगे ना तो खुशी से झूम उठोगे। अरे तो भाभी जल्दी बताइए ना फिर। अच्छा परिवार है, लड़का IAS है। मैंने दीपू की फोटो उनको दिखा दी, अब वो लोग मन बनाने लग गए हैं। अरे हमारे वजह से। पर जीजी वो दीपू के लिए तो लड़का मिल गया ना, और कल रोका समारोह है। क्या रोका समारोह? अच्छा तो ये सजावट सब उसी के है। हमें तो लगा कि हमारे लिए किया है। बताओ हा? हम जबरन ही यहाँ पर शादी के बीन बजाए जा रहे हैं। अरे मोटे बुद्धि के छोटे पुरानी ही रहोगे क्या? एक फोन तक नहीं खनकना पाए। अरे हम शहर से दूर रहते हैं, दिल से भी दूर कर दोगे क्या हमें? अरे एक मिनट भी रुकेंगे। अरे रुको, आप यही रुकोगे? चलोगे? लड़की की शादी होते शादी तय हुई है और घर का रोका पक्का हुआ है, तो बस आज से ही सबको फोन कर रहे थे। तो पहले फोन हमें करना चाहिए था ना। जी जी जी, इसीलिए सुबह से भैया को फोन कर रहे थे, मैसेज किया पर कोई जवाब नहीं आया। क्या ये भाई, तुम्ही ने कहा था ना जवाब मत दो, वहां जाके सबको चौंका देंगे, फिर ये सब। अरे वो तो नमस्कार नमस्कार का संदेश था, उसमें क्या जवाब देना। तो लड़का करता क्या है? जी बीमा एजेंट है। बीमा एजेंट? और उसका बाप क्या करता है? जी उनकी अपनी किराए किराने की दुकान है। लो है? किराना वाले के लड़के का गले बांधोगे अपनी पढ़ी लिखी लड़की को? ताई जी हमने खुद पीयूष जी को पसंद किया है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लो हैं, एक और प्रेम विवाह। हाँ जो माँ बाप करेंगे बच्चे भी तो वही करेंगे। देखो बिटिया ये प्यार पसंद है ना वो पीछे छूट जाता है, खानदान रुतबा ये सब देखना पड़ता है। हमें तो सब गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। हाँ नहीं आपकी बात ठीक है भाभी जी, पर क्या है ना भैया कि दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो फिर माँ बाप को और क्या चाहिए। रुक्मणी अब तुम यहीं खड़ी रहोगी कि तुम्हारा टिकट कटवा ले? हाँ अंदर चलने का कष्ट करेंगी? रुक जाइए ना ताई जी, आप दोनों के बगैर हमारा भी मन नहीं लगेगा। देखो बिटिया हमारा बिना ना
तेरा ब्याह भी नहीं होगा, क्योंकि तेरी अम्मा को रीत रिवाज का कोई खबर नहीं है, है ना? इनके सिर पे खड़े होके हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो चलो। इसीलिए आप फोन कर रहे थे, आइए आज चलो। या आपने तो एक लाइन में किला फतह कर लिया। हाँ भाई वकील है, चले। अबे ताजमहल दिखा रहे थे क्या अंग्रेजों को? कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे? हाँ वो क्या है ना, उन्हें भी बनाना है एक मकबरा। अबे काम में थे। चाय मंगा। अच्छा चाय दो ना। गर्मी बहुत बढ़ गई है भाई। मायूसी के फफोले बता रहे हैं बेटा, एक भी पॉलिसी नहीं बिकी आज। हर इंसान को सुरक्षित जिंदगी के लिए बीमा करवाना चाहिए। एक हम ही है जो अपनी जिंदगी का ठेला घसीटे जाए। तो बोल क्यों नहीं देते उस दीपिका को, तुम्हें शादी नहीं करनी है? मैं कोशिश किया था, मैं इतना आसान होता ना तो ताजमहल के बाहर बैठ के हवा खा रहे होते अभी। दादी की न्यूज सुन के ना खुशी से 2.5 किलो वजन और बढ़ गया होगा उस मोटी का। बोलने से बात नहीं बनेगी, कुछ और करना होगा। यार हमारे घर वालों को कोई कमी नजर ही नहीं आती उस भैंस में। अगर कमी नजर आ जाए तो क्या पता भैंस की सवारी अपने आप रुक जाए। वाह मेरे चीते, क्या बंदूक आइडिया दिया है तूने। अगर हमने दीपिका की कोई भी कमी घर वालों के सामने साबित कर दी तो शादी की शहनाई होगी शांत और पीयूष शर्मा करेगा ओनली डांस। यस 2.5 किलो।